Good evening to all of you. So we are in the introduction lecture number 4. और मैं उम्मीद करता हूँ दिस इज अ यूनिक थिंग्स, नई नई चीजें सीखोगे आप और बहुत अलग तरीके से सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा मजेदार तड़केदार होना चाहिए, इतना कुछ हो जाना चाहिए कि अगर मैं 100 पेज पढ़ू मटेरियल वॉल्यूम 1 का, मुझे 100 पेज में सब कुछ आना चाहिए, कोई बिना किसी हेडेक के। जहां लोगों को 10 क्लास लगती है उस 100 पेज को कवर करने में हमको 3 क्लास में हो जाए, वो भी याद हो जाए। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैं आरसीएम में था, जब मैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में आया तो 9 में मैं जब चार्जेबिलिटी की तरफ आया तो मैंने कहा कि चार्जेबिलिटी का मतलब सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में है फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब इन जनरल हु इज लाइबल टू पे द जीएसटी, इन जनरल द सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। यही नियम है, यही सब कुछ है। सप्लायर ही हमेशा जीएसटी देगा, गवर्नमेंट किसका कॉलर पकड़ेगी? सप्लायर का कॉलर पकड़ेगी। ठीक, 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अभी जीएसटी में नहीं है पर कभी भी आ सकता है। और 9 सबसेक्शन 3 बोलता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब रिसिपिएंट इज लाइबल टू पे जीएसटी, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे जीएसटी कौन देगा, सीधा कॉलर किसका पकड़ेगी? है कसिस, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कहा ये वाला चीज, तो आप लोग को समझ में आ गया था इंटर और इंट्रा का कॉन्सेप्ट। यस, 9 सबसेक्शन 3 आरसीएम में पहुंचे तो मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल और वेरी पावरफुल एग्जांपल, एग्जाम के पर्पस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अभी से दिमाग में सेट करके रखो। जीटीए सप्लायर कौन है? जीटीए। रिसिपियंट कौन है? रिसिपियंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी जो रजिस्टर्ड केवल हुई है जीएसटी में टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, और बाकी खाने पीने का उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को अगर जीटीएस सर्विस देती है तो एग्जम्प्ट है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। फिर बोलता है अगर रिसिपिएंट अगर एक फैक्ट्री है, एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या एनी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट कौन? ये लोग रिसिपिएंट है तो आरसीएम, पर उस आरसीएम का भी एक्सेप्शन है इस बार से। अब क्या बोलता है, अगर जीटीए अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा लेती है और कहती है कि मैं जीएसटी दूंगा और मैं इनवॉइस रेस करूंगा, तो भैया जीटीए इज लाइबल। अगर जीटीए इनको छोड़ के किसी और को सर्विस देती है, राम श्याम जदु मधु वीवी इसित भाई को, कशिश को, दिव्या को, शिवम को, नीरज को, तो एग्जम्प्ट है उसका। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे भी 5 स्टार कर लो अभी से, हाँ बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। जो पढ़ा रहा हूं अभी, जो चीजें आरसीएम बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, जो करना है यहीं पे करना है। ये 5 स्टार का पॉइंट है, ये भी 5 स्टार है। सप्लायर कौन? काला कोट। सप्लायर कौन? काला कोट। एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट किसको सर्विस दे रही है? गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट एंटिटी हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, तो उनको अगर काला कोट या फॉर्म ऑफ काला कोट सर्विस दे तो एग्जम्प्ट है। फिर बोल रहे हैं कि काला कोट अगर काले कोट को या फर्म ऑफ काले कोट को देते वो भी एग्जम्प्ट है। काला कोट राम श्याम यदु मधु शिवम इसी कशिश त्रिविधि, ठीक है ना, या फिर नितिन, इन लोग को दे एग्जम्प्ट है। और एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को, यानी कि एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे तो एग्जम्प्ट है। और अगर बिजनेस एंटिटी को दे और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख के ऊपर था तो रजिस्टर्ड हो गया होगा पिछले साल, तो अब वो किस में आ जाएगा? आरसीएम में। अगर पिछले साल उनका टर्नओवर 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 30 या 40 लाख के कम या उससे कम होगा तो रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ होगा, तो क्या कह दिया? एग्जम्प्ट है। यानी कि बिजनेस एंटिटी को दे तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर को चेक कर लो, अगर उस लिमिट के ऊपर है जहां उनको रजिस्टर करवाना है तो आरसीएम, नहीं तो एफसीएम। फिर सीनियर एडवोकेट में कहानी थी, सीनियर एडवोकेट अगर किसको दे? गवर्नमेंट को दे, लोकल अथॉरिटी को दे या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को दे, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे, एग्जम्प्ट है। काला कोट या काले कोट को दे, काला कोट या फर्म ऑफ काला कोट को दे और उनका टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 10 और 20 के ऊपर है, तब आपके मन में विचार आएगा सर 40 क्यों नहीं लिखा आपने? इससे नहीं लिखा कि सर्विस, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए 2 ही लिमिट होते हैं, 10 या 20। 40 वाली लिमिट केवल सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए होती है, तो एडवोकेट तो सर्विस ही देगा, तो सर्विस देगा तो उनके लिमिट मैक्सिमम लिमिट ही 20 है, तो 10 और 20 के अगर ऊपर हुआ तो रजिस्टर हुआ होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इस साल आरसीएम। अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे तो एग्जम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दे जिसका टर्नओवर पिछले साल 10 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर, 40 लाख के ऊपर गया है, यानी कि रजिस्टर हुए, तो इस साल एफसीएम। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो।
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। एंट्री नंबर थ्री, एंट्री नंबर मतलब पॉइंट नंबर थ्री, सप्लायर जो है वो कौन है? सप्लायर जैसे काला कोट और वो है ना, यहां पे सप्लायर कौन है? आर्बिट्रल अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल बोले तो ज्यादा अच्छा। आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल सर्विस दे रही है, इसमें ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। सेम एज एडवोकेट फर्म ऑफ, सब तो लीगल वाला ही है ना, थोड़ा सा जगह में छोड़ दे रहा हूं इसका। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर, मान लो ये सप्लायर है, इसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजर बन गए, ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मान लो शिवम को डांस करने के लिए बुला लिया, अब शिवम को डांस करने बुलाया तो बड़ा इवेंट है, बहुत लोग आएंगे, तो कई लोग आ गए। जैसे मतलब बॉडी कॉर्पोरेट आया, फर्म आ गया और इन्होंने कहा कि सब इसको कि भाई हमको इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मौका दो, हमें ये इवेंट करने का, हम इवेंट करना चाहते हैं, हम पब्लिसाइज करना चाहते हैं अपना कंपनी उपनी को। तो उसने कहा कि ठीक है, टू सीआर का करीब कई फीस ले लिया इसने, सप्लायर ने बोला ठीक है मैं तुमको इवेंट ऑर्गेनाइज करने दूंगा, तुम्हारा लोगो तुम्हारे ग्लास पे, टी शर्ट पे, बैनर पे, सब जगह तुम्हारा नाम होगा, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी, तीसरा एरिया। ध्यान से देखना मैं क्या लिखा, ये सप्लायर, ये रिसिपेंट, ठीक, रिसिपेंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है और लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो क्या आएगा? आरसीएम, जीएसटी कौन देगा? रिसिपेंट। अगर टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या होता है? इंडिया, इंडिया इज ए टैक्सेबल टेरिटरी ना, इंडिया के बाहर जाओगे, नेपाल जाओगे, यूएसए जाओगे तो जीएसटी थोड़ी लागू है। तो इस केस में क्या होगा? एफसीएम,
और एनी अदर पर्सन राम श्याम जदु मधु को अगर दिया तो क्या होगा, एफ सेम, एक ही चार्ट पे मैंने सब कुछ बना दिया। ठीक है, तो अगर सप्लायर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, द सप्लायर में भी एनी पर्सन, सप्लायर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, रिसिपिएंट कौन है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर फर्म है। अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिया के ही हैं तो आरसीएम, इंडिया के बाहर के हैं तो एफसीएम, और एनी अदर पर्सन राम श्याम जदु मधु यदु हुआ तो क्या होगा, एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कोई डाउट है तो पूछ। तेल, धनुका, सर्वेश, अच्छा दो दो सर्वेश है, एक त्रिवेदी एक गोपाल गोटाली। सुगेश भाई ठीक है, स्वाति, साक्षी, खुशी, भूमि, ऑल गुड। अच्छा पॉइंट नंबर फाइव, एक दो तीन चार, चार के बाद पांच भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा संभल के करिएगा, प्यार से करिएगा, बहुत कुछ इसमें सीखने लायक है, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आओ आओ रमित, कोई बात नहीं बेटा, आ गए वही बहुत बड़ी बात है दोस्त। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्लियर है, इसकी गारंटी है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, तुम लोग एक प्यार से बोलते हो, एक सिंपल सा जवाब, तुम लोग डायरेक्ट टैक्स कर रहे हो, किसी ने 40 क्लास कर ली है, किसी ने 25 क्लास कर ली है, किसी ने 30 क्लास कर ली है, कई लोग तो बीपी तक पहुंच गए, उम्मीद करता हूं यही हुआ होगा। मुझे कल एक सिंपल सा जवाब दो, कहीं पे भी तुम्हें मुझसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ी, कशिश, कशिश तुम जयपुर से हो ना, कभी तुम्हें मुझसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ी, या कहीं तो मट गए, बाकी भी तो आप लेक्चर कर रहे हो ना, डीटी तो सबसे बड़ा है, डीटी डायरेक्ट टैक्स इज द, अगर एक ओवरऑल पिक्चर में जाओ तो अब तुम लोग के पास तो हजारों दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, तो अगर किसी से भी बात करोगे तो सबसे ज्यादा उनको खुरापाती क्या लगता है, खुरपेच वाली स्टाइल में लगता है, डायरेक्ट टैक्स, किसी पूछो, और पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शिवम भाई, तो तुम किसी से भी पूछो टैक्स, टैक्स एक फोबिया बना हुआ, किसी से बोलोगे टैक्स एक फोबिया बना हुआ है ना। एक बार तुमने मुझसे कशिश मैसेज किया था ना, लंबा चौड़ा याद है,
याद है जब तुम लोग इनरोलमेंट कराते थे तो तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी था, जो डायरेक्ट मुझसे जो लोग डायरेक्ट कनेक्ट हुए आपने मुझसे पूछा ऐसा डाउट होगा, तो मैंने आपको कहा था ना 99% डाउट नहीं होगा, 99% डाउट नहीं होगा। तो मैंने तुमको एक रिप्लाई भी नोट भी दिया था, ठीक है। गलत बात है कि मैं थोड़ा मार्केटिंग वर्केटिंग नहीं करता हूँ, मुझे लगता है करना पड़ेगा क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो जो आपके दोस्त होंगे मित्र होंगे उनको पता होगा उनकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, आपकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। और जीएसटी तो मैं इसलिए लाइव करा दे रहा हूँ कि इससे और स्ट्रांग हो जाएगा और मजा आएगा आपको। मेरे लिए भी काम हो गया, मेरा सितंबर और जनवरी का बैच का जीएसटी हो जाएगा, फिर मैं अगला बैच में डीटी पढ़ाऊंगा। मैं अभी मेरा भी स्वार्थ है इसमें एकदम करंट रहेगा, ऑल अमेंडमेंट के साथ रहेगा, तो जनवरी बैच का भी हो गया अगर किसी को जनवरी का करना हो तो अगर आप पूछोगे तो किसी से पता चलेगा, अपने बुरे टीचर नहीं है, ठीक है, लोग जानते नहीं है वो अलग बात है। बस साथ दो, तुम्हें कभी कोई डाउट नहीं है। बाकी जो एग्जाम के पहले क्या करना होगा वो मैं कर दूंगा, इतना करके भेजूंगा, तो किसी को पढ़ाने लायक ही रहोगे तुम उस सिचुएशन में कि तुम किसी को पढ़ा सकते। नहीं, जनवरी में दोगे तो दो दो क्लास मत करो, कभी अच्छा भी होता है दो दो क्लास इज नॉट गुड। देखिए एक डीटी कर लिया करो, कई डीटी का ज्यादा प्रेशर देके पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। सब्जेक्ट को प्यार करो, सब्जेक्ट को खत्म मत करो, प्यार करो, वो सब्जेक्ट लाइफ लॉन्ग के लिए सेट हो जाएगा। चलो स्टार्ट, 5 मिनट। इसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट भी हैं और थोड़ा अलग भी हो गया। देखो क्या हुआ, पहले इसमें बहुत सारी गंदी चीजें थी, अब इसमें बहुत इजी चीजें हो गई। सर्विसेस प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस या पोस्टल डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, पोस्टल डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट का होता है। पोस्टल डिपार्टमेंट है ये, पोस्टल डिपार्टमेंट किसका होता है, गवर्नमेंट के भीतर तो आता है। बोला हाँ सर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये भी अश्विनी वैष्णव जी के डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। बोले यस सर। सर्विस इन रिलेशन टू व्हीसल एंड एयरक्राफ्ट, ये जो एयरपोर्ट और पोर्ट होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और गवर्नमेंट इनको ए व्हीसल और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज देती है। थैंक यू बसो, थैंक यू। सर्विस इन रिलेशन टू व्हीसल एंड एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। अगर आप ध्यान से देखो तो रेलवे सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं इसको रेलवे को लेके आता हूं। रेलवे तो सरकार की है, रेलवे यहां पे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कई सारे स्टेडियम जो होते हैं ना, इमोवेबल प्रॉपर्टी जमीन स्टेडियम किसके होते, सरकार के होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा क्या देता हूँ, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो किसी को भी यूज करना है तो आप गवर्नमेंट से ले सकते हो। अदर अब कितनी सारी चीजें हैं इसके भीतर, अगर मैं और इसको खूबसूरत करने तो मैं इसको ही हटा सकता हूं,
ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो और खूबसूरत बन जाएगा ये, पता है कैसे? ध्यान से देखो तो इसके केवल दो ही पॉइंट रह जाएंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। सर्विस बाय पोस्ट ऑफिस, सर्विस बाय मिनिस्ट्री ऑफ दिस, सर्विस इन रिलेशन टू व्हीसल एंड एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, अदर्स। ये इसको ढंग से समझना, ये सर्विस सप्लायर कौन है? सबसे पहले ये तो समझ लो सप्लायर कौन है। यहां पे सप्लायर जो है गवर्नमेंट है। ये सब सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। यह सर्विसेज कौन दे रहा है? लोकल अथॉरिटी दे रही है। आप जिस इलाके में रहते हो, जैसे हमारे बंगाल में म्यूनिसिपलिटी जो होती है ना, आजकल हमारे यहाँ पे कलकत्ता में या ग्राम देहात में म्यूनिसिपलिटी क्या करती है, अपने ऊपर एक कन्वेंशन हॉल बना देती है। तो जो शादी उदी होती है 3-4 हज़ार रुपये लेके के शादी उदी हो जाती है, तो भाड़े पे देती है। तो लोकल अथॉरिटी आज के टाइम में काम अच्छे से करती है, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना? तो ये सर्विस, तो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का ही सर्विस है? बोले यस सर, गवर्नमेंट का ही। पोस्ट ऑफिस में एक अमेंडमेंट हुआ, क्या अमेंडमेंट हुआ सर? पोस्ट ऑफिस में एक अमेंडमेंट हुआ कि अगर पोस्ट ऑफिस वाले, हाँ, पोस्ट कार्ड बेचते हैं, पोस्ट कार्ड होता है पीला सा लिफाफा, हल्का सा पीला, आगे पीछे, पीछे में नाम, आगे में कुछ समझ ही नहीं आता। पहले गांव देहात में सबसे पहले सबसे ज्यादा वही चलता था। बोला हाँ सर। इनलाइन लेटर, इनलाइन लेटर देखे हो क्या? बोला हाँ सर, ब्लू रंग का होता है, लोग उसको चिपका के एक पेज करवाए शंकर, आधा पेज छोड़, एक पेज छोड़ के काम कर। तो देख रहे, मैं ब्लू रंग का होता था, चिपका के, जैसे चिपका के भेज देते, तो इनलाइन लेटर होते ब्लू कलर का। ये येलो कलर का होता, आज भी होता, होता था नहीं है, हम यूज नहीं करते क्योंकि आजकल जरूरत ही नहीं पड़ती है यार। बुक पोस्ट में एक लफड़ा है। ये लोग क्या करते हैं, जब बुक पोस्ट करते हो नीचे वाला एरिया फाड़ देते, देखने के लिए कि किताबी है ना। एक हो गया बुक पोस्ट और एक हो ऑर्डिनरी पोस्ट। वेट क्या होगा? लेस देन 10 ग्राम। अगर पोस्ट ऑफिस पोस्ट कार्ड की सर्विस दे रही है या इनलाइन लेटर दे रही है, बुक पोस्ट की सर्विस दे रही है, ऑर्डिनरी बुक पोस्ट की सर्विस दे रही है, तो ये जो सर्विसेज है ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है। जब एग्जेम्प्शन पढ़ोगे तो सेक्शन 11 एंट्री नंबर 24C। वाह, अब लड़का पूछेगा सर और भी तो बहुत सारा सर्विस देती है, स्पीड पोस्ट की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है, सेविंग, बहुत सारे सर्विस है। अगर और बाकी कोई भी सर्विस अगर पोस्ट ऑफिस दे रही है, अगर कोई भी सर्विस दे रही है, तो वहां पे लग जाएगा FCM। याद हो गया? देने वाला कौन? गवर्नमेंट लोकल लॉटरी यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले किसको पकड़ा? पोस्टल डिपार्टमेंट को। पोस्टल डिपार्टमेंट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर पोस्ट ऑफिस पोस्ट कार्ड की सर्विस देती है, इनलैंड लेटर की सर्विस देती है, बुक पोस्ट देती है, ऑर्डिनरी बुक पोस्ट देती है, तो एग्जेम्प्ट है। बाकी कोई भी सर्विस अगर पोस्ट ऑफिस दे, इन चार को छोड़ के सब टैक्सेबल है। यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मैं आपको एक लाइन समझा देता हूं। एसी, जब एसी की सर्विस देती है ना, एसी टैक्सेबल है।
वो भी FCM। अगर रेलवे में आप जाओगे एसी में बैठोगे तो टैक्सेबल है, एसी को छोड़ के अदर्स है ना, अदर्स एग्जेम्प्ट है। ये सब याद रखो। रेलवे ये तो चलती चीज है ना, आप ट्रेन में बैठते हो तो लोकल ट्रेन में चढ़ते हो, स्लीपर में चढ़ते हो, जीएसटी नहीं लगता। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, और मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती है ना उसमें फर्स्ट क्लास होता है, उस पर जीएसटी लगता है, बाकी नहीं लगता। अगर सरकार सर्विस दे रही है इन रिलेशन टू व्हीसल और एयरक्राफ्ट से जो रिलेटेड सर्विस अगर दे रही है बेटा, बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूं, FCM। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, सरकार अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर है तो उसमें भी FCM का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। पर यहां पे अपने को क्या गुड्स भी है, पैसेंजर भी है, अपने को एक्सेप्शन भी है, एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन के लिए हमको एंट्री नंबर 15-21 पढ़ना पड़ेगा जब हम एग्जेम्पशन में जाएंगे, ठीक है। माना कि जो गुड्स एंड पैसेंजर की जो सर्विस है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, FCM में है, और उसके एक्सेप्शन भी हैं, तो एक्सेप्शन बिना पढ़े तो आपको पता नहीं होगा, एक्सेप्शन में आपको बता ही दिया। बहुत पावरफुल सेक्शन में जा रहे हो तुम लोग, बहुत ही पावरफुल सेक्शन है। जैसे तालकटोरा स्टेडियम है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास पहुंचा और मैंने कहा सर जी मेरा AGM करवाना है, तालकटोरा स्टेडियम देंगे क्या? म्यूनिसिपलिटी को बोला कि आप देंगे क्या? तो वो पूछेगा आपको कि आप कौन? मैं कौन मतलब? मेरा नाम विक्रम झा नहीं, मैं शिवम झा, सूर्य कुमार है, शंकर है, वसु है, नितिन है, कुणाल है, भूमि। नहीं नहीं अरे भाई मैं स्नान नहीं, तुम बिजनेस एंटिटी हो, बिजनेस एंटिटी का मतलब जो तो बिजनेस करता है, या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी। बोला सर मैं बिजनेस एंटिटी हूं। मैं बिजनेस एंटिटी। अच्छा तुम बिजनेस एंटिटी हो या नॉन बिजनेस हो? अगर नॉन बिजनेस हो तो एग्जेम्प्ट है। वाह, यानी कि राम श्याम जदु मधु को दिया जाए तो एग्जेम्प्ट। हाँ मुद्दा है यहां खेला किसका है पता है? बिजनेस एंटिटी का, बिजनेस एंटिटी। बोला यस सर, जो सर्विस तुमको दी जा रही है उसका ग्रॉस अमाउंट रीजन इक्वल टू 5,000 रुपये तक की सर्विस है। बोला हाँ सर 5,000 रुपये तक की सर्विस है। तो अगर 5,000 रुपया तक की सर्विस है ग्रॉस अमाउंट कितना है? बोला 5,000। शायद मैंने ऐसा पहले नहीं बनाया था, याद है 5,000 रुपये तक का। बोला हाँ जो सरकार बिजनेस एंटिटी को जो रेंटिंग कर रही है 5,000 रुपये तक, यस या नो? 5,000 रुपये नॉन बिजनेस एंटिटी का तो ऐसी एग्जेम्प्ट है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बिजनेस एंटिटी को ग्रॉस अमाउंट 5,000 रुपये तक है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, 5,000 रुपये तक गवर्नमेंट की सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। बोला नो, इसका मतलब 5,000 से ज्यादा है। बोला हाँ सर 5,000 से तो ज्यादा है। तब क्वेश्चन आया कि
कि जो रिसिपेंट है रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो एफसीए, और इस रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड है तो आरसीए, और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो एफसीए। वो तो कॉमन सेंस की बात है। ये चार्ट एकदम चंगा वाला चार्ट हो गया ना, है वासु? देने वाला देखो, याद भी हो गया। देने वाला कौन आएगा एग्जाम इससे, यहां से देने वाला कौन? गवर्नमेंट लोकल रोटेटरी या यूनियन टेरिटरी? पहला पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट कार्ड, इनलैंड बुक पोस्ट या फिर ऑटी पोस्ट लेस देन 10 ग्राम एग्जेम्प्ट, अदर्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाई रेल मनी सर्विस बाई रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अगर एसी में है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, पहले बता देता हूँ। गवर्नमेंट अगर सर्विस इन रिलेशन टू व्हीसल एयरक्राफ्ट, सीधा सीधा बात, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन है वो सेक्शन 11 में पढ़ेंगे। रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी में बड़ा खेला कर दिया इन्होंने, रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने पूछा बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो या नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, नॉन बिजनेस एंटिटी को दे तो मुद्दा वहीं खत्म कर दो, एग्जेम्प्ट है। अगर बिजनेस एंटिटी को अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो तो चेक करो 5,000 रुपया तक की सर्विस है या उससे ज्यादा है, अगर 5,000 रुपया तक है तो एग्जेम्प्ट है, 5,000 रुपया के ऊपर है तब आगे देखेंगे कि जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है। अगर रिसिपेंट 5,000 के ऊपर है और रिसिपेंट कौन है? रजिस्टर्ड है तो आरसीएम यानी कि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो वो दे देगा, और अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो एफसीएम। मजा आया कि कैसा लगा? दो मिनट में तुम याद कर लो, भरोसा करो आपको याद हो गया, जस्ट अपने आप पे भरोसा करो। मैं पन्ना पलट दे रहा, देखो इधर, अब अपने आप को देखो, पन्ना पलट रहे सामने कुछ नहीं, अब दिमाग करो, देने वाला कौन? गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी? वन बाय वन सबसे पहले चेक करके लो, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट आपको पोस्ट कार्ड, इनलैंड वाटर, इनलैंड लेटर या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट, लेसर टेन का बुक पोस्ट देता तो एग्जाम, एनी अदर सर्विस अगर पोस्ट ऑफिस देती है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एसी है तो टैक्सेबल है, वो भी फॉरवर्ड चार्ज, नॉन एसी है तो एग्जाम है। तीसरा क्या है? व्हीसल एयरक्राफ्ट, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ज्यादा मत है। रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी में बहुत सारा कुछ है, फिर सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स एंड पैसेंजर बोला एफसीएम है, पर कुछ एक्सेप्शंस की बातें की गई है वो छोड़ दो। सबसे बड़ा रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी आप किसको दे रहे हैं? बोला सर बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी बोला ग्रॉस अमाउंट 5,000, 5,000 के कम, बोला हाँ तो एग्जेम्प्ट है, ज्यादा तब देखो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, बोला हाँ तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड है तो एफसीएम। ग्रॉस अमाउंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ग्रॉस अमाउंट अगर 5,000, 5,000 के कम हुआ तो बेटा वो तो एग्जेम्प्ट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिक्चर बाकी है, मेरे पास यहां जगह नहीं बचा है। एनी अदर सर्विसेस, अदर सर्विसेस इसको छोड़, पोस्ट ऑफिस को छोड़ के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ के या फिर व्हीसल एयरक्राफ्ट की सर्विस को छोड़ के, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स पैसेंजर रेंटिंग को छोड़ के, इनको छोड़ के अगर कोई और सर्विस है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ सर,
अगर मैं बोलूं रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट जो है नॉन बिजनेस एंटिटी, रेसिपिएंट कौन? बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल लेस देन इक्वल टू 10-20 अच्छे पिछले साल उनका टर्नओवर। यस यस शंकर, नॉन एसी इन रेलवे, इन नॉन एसी इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट व्हाट एवर इज द डिस्टेंस, ओनली एसी इज टैक्सेबल। ध्यान से देखो क्या बोला इन्होंने, बोला कि अगर बिजनेस एंटिटी है तो पिछला साल का टर्नओवर देखो, लेस देन 10-20-40 है, इसका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस बताओ तो मुझे। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर 10 और 20 और 40 के कम हुआ तो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है। बोला हाँ, पिछले साल उसका टर्नओवर 10-20-40 के कम नहीं, रजिस्टर नहीं है। नो मतलब ज्यादा है तो रजिस्टर है, अगर यस लिखा कि कम है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, और नो तुमने लिख दिया तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, नो तुमने लिख दिया तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। ग्रॉस अमाउंट चेक कर, कितना इंपॉर्टेंट हो गया वासु इस बार, ये लेस देन 5,000। यस और नो, अगर ग्रॉस अमाउंट लेस देन 5,000 है तो ये एग्जेम्प्ट है, और ग्रॉस अमाउंट अगर है तो फिर ये जो एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट कर रहे हो ना, ये सेक्शन 11 एंट्री नंबर 9 है। ये 5,000 वाला जो पॉइंट है एंट्री नंबर 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाह, मन शांत हो गया पढ़ा के ये वाला। हाँ यस यस, 10, 20 और 40 के नीचे है तो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एग्जम्प्ट है, और अगर 10, 20, 40 से ऊपर है, इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्नि नो मतलब वो रजिस्टर्ड हो गया, अगर उसने कहा नहीं मेरा कम नहीं है ज्यादा है तो वो रजिस्टर्ड हो गया ना, तो रजिस्टर्ड हो गया तो 5 है, अनरजिस्टर्ड है तो सीधा एग्जम्प्ट अनरजिस्टर्ड है। यहां पे एक नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन आया है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, यहां पे एक नोटिफिकेशन लिखना है। माने आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, रेंटिंग एंड अदर सर्विसेज में
बहुत बड़ा एक लोचाई उल्फत समझ लो, इसको एंट्री के साथ मिक्स किया गया है। एंट्री नंबर इसमें दो चीजें देख लो, एक अगर आप एक और चीज को समझ लेना है आपको यहाँ पे, अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे भी देखो नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट है, नॉन बिजनेस एंटिटी को देखते एग्जेम्प्ट करना है आपने। अब बिजनेस एंटिटी है तब यहाँ पे 5,000 का गेम है, और ये 5,000 का गेम जो है ना एंट्री नंबर, आपको ये पता ही नहीं है आपने चार्ट में कितना कुछ कवर कर लिया, कितना कुछ। रेंटिंग ऑफ पिमोल प्रॉपर्टीज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी ग्रॉस अमाउंट 5,000, 5,000 से कम है यस और नो, अगर 5,000, 5,000 से कम है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, नो है तो फिर देखना है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड तो एफसीए, और एनी अदर सर्विस में तो नॉन एंटिटी एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी अगर हुआ तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी है पर पिछले साल टर्नओवर अगर 10, 20 और 40 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 10, 20, 40 के ऊपर यानी कि वो रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड तो फिर ग्रॉस अमाउंट का गेम देखो, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जब सर्विस देती है 5,000 का गेम बहुत काम की चीज है, क्योंकि 9,000 एंट्री नंबर 9 में 5,000 रुपया जो है ना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर। कुछ नहीं पूछना, मजा आ रहा है कि नहीं, नई चीजें सीखने को मिल रही है कि नहीं, बच्चा पार्टी एक्स अचानक देखा आईपैड का चार्जर ही खत्म हो गया, मैंने चार्ज खत्म हो गया था, अरे यार थैंक यू, आगे बढ़े। अब तो ये चीज ही है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया एंट्री नंबर 5, तो इजी वाला है आरसीएम। बस मैं आरसीएम बहुत शांति से करवा रहा हूँ, और बहुत शांति से करिएगा, बहुत शांति से करवा रहा हूँ, बहुत शांति से करेगा, जितना शांति से आप करेंगे उतना मजा आपको है। ये 5 था तो 5 के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया 5 डबल, ही बकवास है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट का काम।
ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, ये सप्लायर और रिसिपिएंट, ठीक है। ये कौन है? ये भी सप्लायर है, ये रिसिपिएंट। ये कौन है? ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट, ठीक है। फाइव ए, फाइव बी, फाइव ए, फाइव बी, फाइव सी। ध्यान से देखना, इधर में मैं सप्लायर खड़ा कर दे रहा हूं, इधर मैं रिसिपिएंट खड़ा कर दे रहा हूं, एक बार में तीन एंट्री पास हो जाएगी बेटा जी। और कैसे जीएसटी होगा आपका शंकर नारायण? जो जीएसटी एग्जाम है तो उसमें जीएसटी कैसे होगा बेटा? जीएसटी तो एग्जाम है, 5,000, 5,000 के नीचे तो जीएसटी कैसे होगा बेटा? लॉजिक की बात है, किसी भी चीज जितना मैं चार्ज कर आपसे, देखो सप्लायर एनी पर्सन, सप्लायर एनी पर्सन, सप्लायर एनी पर्सन, सप्लायर कोई भी हो सकता है। बोला अच्छा, सप्लायर कोई भी हो सकता है। अब है रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन होगा? रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड, ओके। रिसिपिएंट यहां पे कौन है? मोटा भाई, प्रमोटर, मोटा भाई प्रमोटर। यहां पे रिसिपिएंट कौन है? मोटा भाई प्रमोटर। यहां पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, यहां पे प्रमोटर, प्रमोटर। जब भी वर्ड प्रमोटर आता होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ बिल्डिंग और लैंड से रिलेटेड कहानी होगी। बोला हाँ सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। एनी पर्सन, ये बंदा कौन है? रजिस्टर्ड है। मैंने क्या दिया इसको? इसको क्या दिया? रेंटिंग कर दी, रेंटिंग ऑफ मोबाइल के ऑवर देखो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मेरे पास घर है और मैंने घर को भाड़े पे लगा दिया। मेरे पास घर है, मैंने घर को भाड़े पे लगाया, रेंटिंग। और रेंटिंग वर्ड तो आपको याद ही है, रेंटिंग बिजनेस और कंसिडरेशन सप्लाई का बहुत बड़ा रूप है। बंदा कौन है? जिस बंदे को मैं दे रहा हूं रजिस्टर्ड है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट जिंदा हो जाएगा? आरसीए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? रजिस्टर्ड बंदा। यानी कि मेरे पास मकान है और मैं जिसको भाड़े पे दे रहा हूं वो बंदा रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम का कॉन्सेप्ट है, ओके। मैं कौन? कोई भी पर्सन हो सकता है। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है ये वाला। वो अभी जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ इमोट प्रॉपर्टी, उसमें देने वाला कौन? गवर्नमेंट था। और यहाँ पे कौन है? मैं तुम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी रेंटिंग ऑफ इमोट, रेंटिंग ऑफ घर, घर को भाड़े पे, तो रेसिडेंशियल, याद रखना वर्ड है रेसिडेंशियल। इसका मतलब है अगर कमर्शियल, रेसिडेंशियल की जगह अगर वर्ड कमर्शियल होता तो फिर आरसीएम नहीं आता। अगर इसकी जगह अगर अगर कमर्शियल, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल होता, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल होता, अगर कमर्शियल लिख दिया जाता ना, तो फिर हमेशा क्या आता? याद रखना, तब क्या आता? एफसीएम। तब क्या आता? वर्ल्ड एफसीएम आता है। ये खाली आरसीएम का कॉन्सेप्ट किसके लिए लाया गया?
केवल किसके लिए लाया गया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अगर मेरे पास कोई कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी है, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमेशा कौन सा रूल है, एफसीए। दोनों वर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, कमर्शियल दिया तो ऑलवेज एफसीए, और अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी दिया, जिसको दिया वो रजिस्टर्ड है तो आरसीए मेरे पास, ठीक है ना। प्रमोटर मेरे पास आया, अरे बयानी जी आपके पास एक मकान है तो, या खाली जमीन है तो आप मेरे को राइट दे दीजिए, मैं इस पुराने मकान को तोड़ के नया मकान बना लूंगा, या जमीन पर मकान बना लूंगा, कंसीडरेशन में कुछ पैसे और दो फ्लैट आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा सौदा तो अच्छा है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, मैंने अपने पुराने मकान को दे दिया प्रमोटर को, या खाली जमीन दे दी। तो उसने बोला ठीक है, उसके बदले डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई तो कंसिडरेशन देगा ही ना, फ्री में तो कोई काम नहीं करोगे। दो फ्लैट देता, आज के जमाने में तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा ये वाली चीज। तो जब आप अपने राइट दे रहे हो, डेवलपमेंट राइट दे किसी प्रमोटर को, वहां पे भी क्या आता है, आरसी। ये एक बंदा है, बोला हाँ सर बंदा है, मैं तुमको क्या दे रहा हूं। बंदा पूछे मैं तुमको क्या दूं, मुझे तुम्हारे पास जो जमीन है उसको लॉन्ग टर्म लीज पे दे दो, मुझे लॉन्ग टर्म लीज पे दे दो, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, मुझे तुम्हारी जमीन को लॉन्ग टर्म लीज पे दे दो, मोर देन इक्वल टू 30 ईयर्स मिनिमम। अच्छा किस लिए चाहिए जमीन, मुझे यहां पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। बोला अच्छा ठीक है, मुझे क्या क्या फायदा होगा, अरे लीज रेंट भी मिलेगा, फ्लैट भी दूंगा, तो मुझे इसके बदले में कंसिडरेशन मिलेगा। बोला हाँ कंसिडरेशन दूंगा, इसके बदले में कंसिडरेशन क्या मिलेगा आपको, सोच के देखो। एक तो अपफ्रंट अमाउंट दिया जाता है, लीजिए 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, अपफ्रंट अमाउंट ले लीजिए, इतना आप मेरे से अभी ले लीजिए, 10, 20, 25, 50 लाख, ठीक है, अपफ्रंट अमाउंट ले लीजिए। ये अपफ्रंट अमाउंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे इसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, माने यहाँ के भाषा में प्रीमियम बोलते हैं, मुंबई के, मुंबई वैसे मुंबई की भाषा में क्या बोलते हैं, सलामी बोलते हैं, सलामी दे दिया भैया, या फिर पीरियोडिकल रेंट के रूप में मुझसे ले लीजिए, उसको देगा नहीं, मैं क्यों तुमको लीज पे दूंगा। प्रॉपर्टी किस पे दे रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म लीज। तो मैंने कहा ठीक है ले लीजिए, उसके बदले तुम मुझे प्रीमियम दोगे, इसमें भी क्या आएगा, आरसीए। मजा आएगा, दोनों सिमिलर ही तो है, 5B और 5C तो एक ही जैसा है ना दोस्त, दोनों में डिफरेंस क्या है, 5B में आप क्या कर रहे हो, राइट दे रहे हो, यहां पे आप लीज पे दे रहे हो, बस डिफरेंस यही, एक ही चीज का डिफरेंस है। अगर मैं और भी डिस्कशन करना चाहूं तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं, बोला क्या डिस्कशन, जैसे प्रमोटर, प्रमोटर तो फ्लैट बनाएगा, अगर मैं दोनों एंट्री को मिला लूं, मान लो फॉर दोनों एंट्री को मिला लूं, इस दोनों एंट्री को जैसे मैंने पंच कर दिया,
फाइव बी और फाइव सी, ये तो एक अलग अलग हो गया कि मैंने डेवलपमेंट राइट दिया आरसीएम, मैंने लीज पे दिया आरसीएम, मैं दोनों को कर देता हूं, दोनों को अगर पंच कर दू तो क्या निकल के आएगा, पॉइंट नंबर एक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट राइट, पॉइंट नंबर टू लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दिया, मैंने दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ओके सर, ऐड करने के बाद जो प्रमोटर हो, तुम प्रमोटर हो कसिस, हाँ तब तो अगर लॉन्ग टर्म लीज है और 30-30 केस है तो आरसीएम टॉपिक नहीं आएगा ना, कसिस जहां आरसीएम नहीं आया वहां एफसीएम आएगा, जहां पे आरसीएम नहीं है वहां तो एफसीएम ही है ना बेटा। अब इसमें मैं तुम्हें और एडवांस लेवल में लेके चलता हूं, जाना है एडवांस लेवल, बोला हाँ सर चलना है, पूछे ही नहीं हम लोग से और बोल रहे एडवांस लेवल, मैं एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं। ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर अब फ्लैट बनाएगा, क्योंकि उसने बोला मैं फ्लैट बना, यहां पर भी तो डेवलपमेंट करेगा, यहां पर भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करेगा, फ्लैट बनाए, फ्लैट बना के वो बेचेगा, ठीक है, फ्लैट बना के वो प्रमोटर बेचेगा। अब प्रमोटर, अब मैं प्रमोटर की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं और एडवांस लेवल में जा रहा हूं, मैं इस दोनों एंट्री को मर्ज कर दे रहा हूं, अभी तक तो देने वाले की बात करें, अब मैं प्रमोटर की बात पे लेके जाऊं और एडवांस कर लेता हूं, प्रमोटर क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट एंड सोल्ड, अग्रीड हो, जल्दी सबको ही बोलो, अभी तक तो तुमने किसके बारे में सुना, अभी तक जो तुमने सुना वो किसके बारे में सुना, वो आपने सुना किसके बारे में, देने वाले के, लेने वाला कौन, प्रमोटर, प्रमोटर क्यों कर रहा है, बोला कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं सर यहां फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करके बेचूंगा, बोला अच्छा, अब फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करके प्रमोटर जब बेचने जाएगा तो शायद अब तुम्हें मैं थोड़ा पुरानी कहानी याद दिलाऊंगा, बोला क्या सर, अगर प्रमोटर जो फ्लैट बेचा है आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद फ्लैट को बेचा है तब क्या होगा, कंस्ट्रक्ट आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसे हुआ वो शेड्यूल थ्री में फॉल कर गया, शेड्यूल थ्री का मतलब नेगेटिव लिस्ट में, याद आ रहा है कल सेकंड क्लास में तो समझाया था नेगेटिव लिस्ट का पॉइंट, कि अगर कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर बेचते हो तो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। ओके और अगर फ्लैट अगर बेचते हो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब तो ये सप्लाई है, तो शेड्यूल थ्री में आएगा नहीं, शेड्यूल थ्री में तो आएगा नहीं, बोला नहीं। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, तो ध्यान से देखना है, कंसिडरेशन लेसर इक्वल टू 10 CR, ओके लेसर इक्वल टू 10 CR एग्जेम्प्ट एंट्री नंबर 41A एंड ये मैंने कभी नहीं कराया, यहां पे एक मैं पॉइंट करूंगा क्वेश्चन मार्क करके रखा, ये मैंने कभी नहीं किया, दिस इज थोड़ा एडवांस लेवल में चले कि प्रमोटर जब आपसे लीज पे ले रहा है, प्रमोटर जब आपसे राइट टू डेवलप ले रहा है तो उस केस में प्रमोटर ओके आरसीएम, और प्रमोटर करेगा क्या, प्रमोटर वहां फ्लैट बनाएगा, प्रमोटर अगर वहां पे फ्लैट बनाता है, अगर मान लो प्रमोटर फ्लैट बनाता है बेचता है तो बिफोर कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन, फ्लैट बिकेगा जमीन नहीं बिकेगी, इसे जब लीज पे कोई चीज होती है तो उसपे कंस्ट्रक्शन होता है, फ्लैट बेच सकता है, जमीन नहीं होती उसमें, मैक्सिमम जो बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं 99 ईयर लीज पे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक सॉल्ट लेक सिटी बोल के है, पूरा का पूरा शहर
वो पूरी की पूरी सरकार की लीज पे, 999 साल की लीज पे, ये 30 साल लिखा है लीज, बेसिकली 99 ईयर्स की लीज होती है। सब पे दिमाग ना लगाओ। रहेगा जैसे थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया है। आगे बढ़ो। याद रखना, हाँ, कंसिडरेशन कैस्केड दोनों हो सकते हैं, कंसिडरेशन इज मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों होता है रमनीत भाई, ध्यान रखना। मैं कौन, ध्यान रखना, डायरेक्टर, याद रखियो, डायरेक्टर, नॉट एन एम्प्लॉय, नॉट एन एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय होने से फिर तो नेगेटिव विश का कॉन्सेप्ट में चले जाओगे ना। आप क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, दे रहे हो, इसके बदले आपको क्या मिल रहा है, इसके बदले आपको मिल रहा है डायरेक्टर फीस, बोले यस सर, इसमें क्या आएगा, आरसी। इसका मतलब अगर मैं एज ए डायरेक्टर किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में उसको सर्विस देता हूं, तो मुझे जो फीस देते हैं उसके ऊपर कौन जीएसटी देगा, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट देगा। बोलो, ये तो बहुत इजी था, मतलब सबसे इजी तो यही है, डायरेक्टर वाला पॉइंट सबसे इजी है ना। कुछ पूछोगे नहीं तो कैसे मजा आएगा, मत पूछो। ये कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, ये कौन है, इंश्योरेंस एजेंट,
इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी जब लॉन्च करती है तो फिर इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं ये लोग इस पॉलिसी को शिवम को बेच दिया, बीवी को दे दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम में इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी को लॉन्च किया, वहां इंश्योरेंस एजेंट ने उस पॉलिसी को बेचा, इसको शिवम को, बीवी को। इसका मतलब इंश्योरेंस एजेंट यहां पे कौन है? इंश्योरेंस एजेंट एग्जैक्टली सप्लायर है, और इंश्योरेंस कंपनी यहां पे रिसिपिएंट है क्योंकि उसकी पॉलिसी को इंश्योरेंस एजेंट बेच रहा है, और हम और तुम तो कंज्यूमर, हम लोग पॉलिसी होल्डर है। तो सप्लायर यहां पे कौन है? इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि ये लोग सर्विस किसको दे रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू रिसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन, तो आरसीए। ना याद रहे तो और भी लिख देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी। कई बार इसमें धोखा हो जाता है। कैसा धोखा हो जाता है? इसमें लोगों को लगता है कि रिसिपिएंट शिवम और बीवी है। रिसिपिएंट नहीं है शिवम भी, शिवम तो पॉलिसी होल्डर है। सर्विस कौन दे रहा है? इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। कैसी सर्विस? उसकी पॉलिसी को बेच रहा है, उसके बदले उसको क्या मिलेगा? कमीशन। तो सप्लायर इंश्योरेंस एंड रिसिपिएंट हो गया, इसलिए हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। भाई साहब ये कौन है? रिकवरी एजेंट, किसको सर्विस दे रहा है? रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? बैंकिंग कंपनी ने हायर किया है सूर्य कुमार से पैसा निकालने के लिए। जाओ सूर्य कुमार, जाओ मेरे रिकवरी एजेंट। दादा वो कंसिडरेशन लेस देन 10 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुआ है इफ प्रमोटर ओन्स दैट लैंड। प्रमोटर्स नॉट होल्ड एनी लैंड इन एनी केस। प्रमोटर लैंड होल्ड करता ही नहीं, डेवलपमेंट राइट देते। लीज में तो प्रमोटर का लैंड हो ही नहीं सकता, किसी का लैंड नहीं, ठीक है। और तुम एंट्री नंबर 5 पे बोलता है अगर आपने राइट दे दिया, तो राइट दे दिया तो हो सकता है कंसिडरेशन के बदले जमीन ले ली और बोला दो फ्लैट और कुछ कैश देंगे, तो हो सकता है उस केस में चलेगा। लीज के केस में तो प्रमोटर का हो गया। तो बैंकिंग कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका मैं तुम्हें और एंट्री नंबर 41A में करूं। सर्विस दादा डायरेक्टर अगर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर की कंपनी में सर्विस दे रहा है, एकदम एफसीएफ। अगर टैक्सेबल, ये जैसे डायरेक्टर वाला आया, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी वर्ड यूज किया है ना बेटा, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के बाहर है कोई कंपनी, तो भैया गवर्नमेंट खुद का कॉमन सेंस लगाओ। इंडिया के बाहर कोई है तो
तो गवर्नमेंट बोलेगी मैं उसको क्यों पकड़ू भैया, जो इंडिया में उसी को पकड़ूंगा ना, कॉमन सेंस लगा दादा। वो कंसिडरेशन लेस देन 10 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है क्या? ए प्रमोटर ओन्स दैट लैंड विदाउट लीज एंड ऑलरेडी हैज अ डेवलपमेंट राइट, नहीं तब क्यों 10 करोड़ वाला प्रोविजन? तब तो सवाल ही नहीं है 10 करोड़ वाला। अब मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा, अगर प्रमोटर ऑलरेडी ओन लैंड तो फिर 10 करोड़ वाला प्रोविजन उसके लिए थोड़ी, ये तो खाली डेवलपमेंट और लीज के लिए। अगर प्रमोटर ऑलरेडी होल्ड द लैंड एंड सेल द फ्लैट तब तो नॉर्मल जैसे चलता है वैसे, तब तो नॉर्मल प्रोविजन पे चलेगा। नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है? अगर आप फ्लैट को बेचते हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो नेगेटिव लिस्ट, और उसके पहले बेचते हो तो जीएसटी लगेगा, और जब जीएसटी लगेगा तो वो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। अच्छा, बैंकिंग कंपनी को दिया, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया या एनबीएफसी को दिया? तो यहां पे सप्लायर कौन है? ये बंदा सर्विस दे रहा है। बैंकिंग कंपनी कौन है? रिसिपिएंट। तो क्या लगेगा एस सूर्य कुमार, समझ में? आरसी। अगर तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा है कि वो कंसिडरेशन ले, तब कंसिडरेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, लेस देन और मोर देन। अब सिंपल सा देखना है, ओन्ड ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफ राइट, लीज अगर ओन्ड है तो माथा लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल। लो भैया, ये तो तीनों चिंतू की तरह उड़ गए। सिक्स क्या था? आप डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर दे रहे हो सर्विस तो आरसीएम, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे तो आरसीएम, रिकवरी एजेंट बैंक को या इनको दे तो आरसीएम। वाह वाह वाह, ये तो चिंतू हो गए, चिंतू चिंतू चिंतू। नहीं, ठीक से देखना है, ठीक से देखना बेटा। तुम कौन? तुम हो कौन? प्रभु प्रभु तुम हो कौन? बोला मैं अनु मल्लिक हूं, जो हमेशा चोरी की धुन ही बनाता हूं, म्यूजिक कंपोजर। मैं कौन? फोटोग्राफर हूं, जंगलों में चांद खास के अच्छी अच्छी फोटो निकाल के लेके आता हूं। मैं कौन? आर्टिस्ट। तो ये लोग अपना ओरिजिनल वर्क, याद रखना ओरिजिनल वर्क, चाहे वो फोटोग्राफी का हो, म्यूजिक कंपोजर हो या आर्टिस्ट हो, अपना ओरिजिनल वर्क क्या कहते हैं? ओरिजिनल वर्क। तो ये लोग सप्लायर है, ये लोग सप्लायर है। तो किसको अपनी सर्विस किसको देते होंगे? ये म्यूजिक वाला तो म्यूजिक कंपनी को देता होगा, टी सीरीज को दे दिए, तुम मेरे इस गाने को पब्लिश करो। फोटोग्राफर या ये लोग प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट प्रोड्यूसर और लाइक उसके जैसा, लोकेटेड इन टीटी। ये लोग कौन है? रिसिपिएंट। ये इनको सर्विस दे रहा है, दे रहा है। तो क्या लगेगा? आरसी। इजी लगा?
हाँ सर, बहुत इजी लगे, बहुत इजी है। हाँ दादा, अगर 5 CM, हाँ जैसे ही FCM आएगा तो फिर तो बेटा कंपल्सरी रजिस्टर होता है ना रवनी, तब अपने टर्नओवर नहीं देखते। जब RCM का कॉन्सेप्ट आता है, अपलोड हो गई, सिंपल चेक करो, अपलोड हो गई है। नहीं, हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे GST जो होता है ना, वो पॉलिसी से रिकवर कर लेता है, हम पे करते हैं हमेशा। तुम रवनीत गलत हो बेटा, हमेशा इस बात को समझना, ढंग से समझना कि गवर्नमेंट किससे GST ले रही है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से GST ले रही है, पर इंश्योरेंस कंपनी रिकवर तो क्लाइंट से करेगी ना, जहां पे भी तुम, ये पॉलिसी है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तुमने पॉलिसी वाली बात कही, तो जब ये पॉलिसी वाली बात तुमने कही, कहा गया जैसे पॉलिसी, गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी 18% का GST देती है सरकार को, पर भैया इंश्योरेंस कंपनी जेब से थोड़ी देती है रवनीत, वो तो आपसे रिकवर कर ही लेती है ना। है बात समझ में? रिकवरी, वो तो हर कोई बंदा, IDT का मतलब ही तो होता है। सरकार किससे लेती है? सरकार कंपनी से लेती है। कोई भी प्रोडक्ट आप तुम खरीद रहे हो, HUL का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सन क्रीम पाउडर लगा रहे हो, उसके ऊपर GST क्या कर रही है सरकार? तो HUL से ले रही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से रही है, वो लोग अपनी प्राइसिंग में GST तुमसे रिकवर कर ले रहे हैं। ये तो IDT का नियम ही है। RCM का मतलब किसका कॉलर पकड़ेगी? FCM मतलब कॉलर कंपनी का पकड़ेगी, डायरेक्टली कंपनी का पकड़ लेगी। कंपनी माने सप्लायर का पकड़ेगी, तो सप्लायर क्या अपनी जेब से देता है क्या? सप्लायर सरकार को देता है, तुमसे रिकवर कर लेता है। और RCM में क्या, गवर्नमेंट सीधा, गवर्नमेंट तुम्हारा कॉलर सीधा पकड़ रही है। देना तो एट दी एंड ऑफ दी डे तुमको और मुझको ही है ना भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से।
मैं कौन हूं? मैं एक ऑथर हूं, मैंने किताब लिखी, ठीक है, बागवान। बागवान पिक्चर देखे हो ना? हाँ सर देखे, उससे किताब लिखी। किताब लिखी तो उस किताब का उन्होंने क्या करा है, ऑथर ने अपनी बुक्स का कॉपीराइट करवा लिया। इसका मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल वर्क का तभी कॉपीराइट हुआ होगा, भगवान मूवी में कॉपीराइट करवा लिया। एक ऑथर एक किताब लिखता है और वो क्या करता है, अपनी किताब का कॉपीराइट करवा लेता है, इस कॉपीराइट का राइट टू यूज देता है। क्या देता है? राइट टू यूज देता है, राइट टू यूज किसको देता है? पब्लिशर को देता है। राइट टू यूज किसको देता है? पब्लिशर को देता है। यानी कि रिसिपेंट कौन है? पब्लिशर है सर, रिसिपेंट इज अ पब्लिशर। बोलो ओके। यहां पे ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू है। ऑप्शन वन आरसीएम पब्लिशर इज लाइक, पब्लिशर इज लाइक। ऑप्शन टू एफसीएम, ऑथर इज लाइक, ये ऑथर को दिया है, ऑथर इज लाइबल। अगर अगर ऑथर जो बंदा है, ऑथर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, बोला मैं रजिस्टर करवा ले रहा हूं अपने आप, बोला मैं अपने आप को रजिस्टर करवा ले रहा हूं, मैं जीएसटी दूंगा तो मुझे तो रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। रोनित बोला यस सर। फाइल्ड ए डिक्लेरेशन, फाइल्ड ए डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा। बोलो ओके। फाइल्ड ए डिक्लेरेशन किसको? तो जीएसटी कमिश्नर को कि सर मैं जीएसटी दूंगा। बोलो ठीक है। सी कैन नॉट विड्रॉ द ऑप्शन, कैन नॉट विड्रॉ द ऑप्शन, विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। आप समझ में क्यों इंपॉर्टेंट है?
मतलब नाइन वाले में डिफॉल्ट तो आरसीएम नहीं होगा। बेटा, अगर मान लो कि अगर ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है, अगर ऑथर ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया या फिर डिक्लेरेशन नहीं दिया, और ठीक है, मेन तो है ऑथर, ये तो बात की बात है, तब तो ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज रहेगा आरसीएम, ऑलवेज आरसीएम। पर अगर ऑथर अपनी साइड से बोलता है कि नहीं मैं रजिस्टर, अब तुम्हारे मन में आएगा ऐसा क्यों करेगा, मैंने फिर कहा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट को लेने के लिए किया जाता है, मस्त खत्म हो गया, एकदम इजी, एकदम इजी। दसवां भी यही बना देते हैं, उससे भी ज्यादा इजी है। ऐसे में इजी लग रहा है ना, है वासु? सप्लायर एंड रिसिपिएंट, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सप्लायर, रिसिपिएंट कौन? RBI। ये कौन? सप्लायर कौन? मेंबर ऑफ ओवरसिंग, ओवरसिंग मतलब बाहर की एक कमिटी बनती है जो RBI ही बनाती है। ये कमेटी जो होती है RBI ही बनाती है। कंस्टिट्यूटेड बाय RBI, मैंने कहा ना ये एक कमेटी होती है जो ओवरसीज जो फंडिंग होती है, बाहर की जो फंडिंग आती है उसकी सर्विस देती है, RBI बनाती है और बोलती है मुझे बताइए बाहर का कैसे, ओवरसीइंग कमेटी बनाती है कि बाहर का जो रिजर्व है उसको कैसे मैनेज किया जाए, नहीं किया जाए, ये पूरी की पूरी टीम बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं सर्विस दे रही है, तो इस सर्विस के ऊपर जो GST आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा, RCM, यानी कि RBI इज लाइबल टू पे GST। सुपर जो जॉलेट जो बिस्किट जो आगे बढ़ो, ये कौन है? एक इंडिविजुअल है, आप और हम जैसे लोग हैं। बोलो ओके, इसका काम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है ना, इंडिविजुअल अदर देन लिखने की जरूरत है, ठीक से जब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म, ऐसे एक्ट, मुझे ये एक्ट थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब मैं वर्ड स्टार्ट करो इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा मैं ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इंडिविजुअल डीएसए, ये कौन है? इंडिविजुअल डीएसए है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डीएसए। अदर देन, इसने वर्ड यूज कर दिया, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड फर्म, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, किसको सर्विस दे रहा है ये लोग? डीएसए किसको सर्विस दे रहा है? बैंक या एनबीएफसी। तो यहां सप्लायर कौन है? ये सप्लायर है, और ये कौन है? रिसिपेंट है। सप्लायर है, रिसिपेंट है, तो क्या आ गया? आरसी। लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो अब आपके मन में आएगा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होता है? होता है मन में आता है ना बच्चों के, कि ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब होता है डीएसए जो होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये जो डीएसए है ना, डीएसए इज ए पर्सन, ये बंदा पर्सन, मुझे पता है, इज ए पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म, पर्सन हु वर्क्स एज रेफर, होता है ना रेफर कर देना मेरे को, हाँ रेफर कर देना, रेफर करोगे तो तुम्हारा एक कमीशन दे देंगे। रेफरल एजेंट फॉर ए बैंक, रेफरल एजेंट फॉर ए बैंक, सिंपल लॉजिक है यार, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। डीएसए कौन होता है? डीएसए इज अ पर्सन वर्क एज ए रेफरल एजेंट फॉर ए बैंक और एनबीएफसी, और एनबीएफसी मैं आपके बैंक का रेफर कर दूंगा, आप मेरे को उस रेफरेंस से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जॉब ऑफ ए डीएसए इज मुर्गा पकड़ना, जॉब ऑफ ए डीएसए इज टू फाइंड पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल कस्टमर, मुर्गा खोज खोज के बैंक को रेफर कर देना। डीएसए का काम है तो मुर्गा पकड़ना चाहिए, तो जॉब ऑफ डीएसए इज टू फाइंड पोटेंशियल कस्टमर फॉर बैंक, दे रिप्रेजेंट उस बैंक जिसको वो रिप्रेजेंट करे, पोटेंशियल कस्टमर पकड़ेगा, इसको ये चाहिए सर, इसका अकाउंट खुलवा दीजिए सर, इसको लोन चाहिए, समझ गए डीएसए का काम? कोई डाउट हो तो मन में पूछे, एनी डाउट ऑफ ए बैंक डीएसए तो पूछे। मैंने लिख दिया इसलिए, डीएसए का भी डेफिनेशन इसे लिख दिया कि कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं, इज ए पर्सन हु वर्क एज रेफरल एजेंट, याद रखना रेफरल एजेंट सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है, रेफरल एजेंट, तुम ढूंढ के लाओ हम तुम्हें कमीशन देंगे, तुम ढूंढ ढूंढ के लाओ हम तुम्हें कमीशन देंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करें, 1 घंटा 40 मिनट होने को आगे ज्यादा लास्ट सेशन रह जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा सेक्शन 9 खत्म कर देंगे, रैप अप कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम एरिया। तो अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दूंगा कि आगे जब पढ़ने जाओ तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। कल बता रहा था ना, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड मूसाभाई पीटी के लिए, प्रॉपरली आधी घंटा उसका क्लास दूंगा, कहाँ पे क्या जरूरत होती है, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम मटेरियल। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया।
नेक्स्ट क्लास परसों, डे आफ्टर टुमारो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ सप्लायर 5A 5B 5C में सप्लायर को रजिस्टर होगा, मैं रजिस्टर थोड़ी रहूंगा यार, मैं कैसे रजिस्टर हूँ सूर्य कुमार, मैं तो मेरे पास एक प्लॉट है, जमीन है, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कहां से जीएसटी से मुझे क्या लेना देना, ठीक है सिबू।